फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ट्रेल एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, कि ट्रेल एप्लीकेशन क्या है, इसे कैसे यूज करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो मैं यहाँ से सारी चीज़ों को एक एक करके बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियो पहले से दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ कॉमेडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉमेडी के वीडियो हैं सारे वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरह यहाँ रिएक्शन वीडियो आपको मिल जाएगा, उसी तरह यहाँ मस्ती का पाठशाला का वीडियो मिल जाएगा, उसी तरह यहाँ इंटरटेनमेंट का वीडियो मिल जाएगा, उसी तरह यहाँ ट्रेवल का वीडियो मिल जाएगा, उसी तरह फूड का वीडियो मिल जाएगा, मूवी का वीडियो मिल जाएगा, उसी तरह यहाँ कोरोना का वीडियो मिल जाएगा। तो आपको जिस भी तरह का वीडियो पसंद है बस उस वाले पे क्लिक करके इस तरह देख सकते हैं वीडियो। बस जिस भी वीडियो को आपको देखना है उस वीडियो पे आप इस तरह क्लिक कर दें तो वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से लाइक कर सकते हैं, यहाँ से सेव करके अपनी गैलरी में इसे रख सकते हैं और यहाँ से शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और यदि वीडियो पसंद आए तो यहाँ से इसे फॉलो भी कर सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ आपको जिस भी तरह का वीडियो पसंद है ऊपर से उसी तरह का वीडियो यहाँ से खोल लें। यहाँ बहुत सारे कैटेगरी दिए गए हैं, जिस भी तरह का वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है उस तरह का कैटेगरी पे इस तरह क्लिक कर दे तो उसी तरह का वीडियो आ जाएगा। उसके बाद जिस भी वीडियो का आपको देखना है उस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जैसे इस वीडियो को मुझे देखना है तो मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूं तो वीडियो प्ले हो जाएगी। इस वीडियो का साउंड मैंने बंद कर रखा है इसलिए इसका साउंड नहीं आपको सुनाई दे रहा है। उसके बाद मैं बैक चला जाता हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि यहां आप अपनी खुद की वीडियो किस प्रकार अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद यहां लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप फेसबुक से, गूगल से और व्हाट्सएप से लॉगिन कर सकते हैं और यदि आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ कंटिन्यू विथ फोन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल गूगल से ही लॉगिन कर देता हूँ। तो मैं गूगल वाले पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जितने भी अकाउंट है सारे आ चुके हैं। तो मैं किसी एक अकाउंट से लॉगिन कर देता हूँ तो देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद मैं जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे बारे में सारा चीज़ यहाँ खुल के आ गया है। तो अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई भी वीडियो यहाँ अपलोड नहीं किया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ आप अपनी खुद की वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए इस प्लस वाले पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें ब्लॉग पे। उसके बाद ये जो भी सारी परमिशन मांगे सारी परमिशन को आपको अलाउ देना है। तो देख सकते हैं सारे वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं किसी एक वीडियो को अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसी वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल के सामने आ जाते हैं। फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो को कटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ से जो भी करना वो करके यहाँ नीचे से नेक्स्ट कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जो भी वीडियो के बारे में लिखना वो लिख लें। उसके बाद यहाँ पब्लिश वाले पे क्लिक कर दें तो आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो मैं फिलहाल बैक चला जाता हूँ, मुझे पब्लिश नहीं करना है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको इंग्लिश में चलाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं यहाँ से। और भी बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ दिए गए हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अभी भी आपका कोई डाउट है या सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।